जय श्री कृष्णा। तो बच्चों आज हम लोग क्या हुआ, हेलो आवाज नहीं आ रही थी। हाँ आ रही कि नहीं आ रही थी, नहीं आ रही। इसकी बैटरी चेंज करके देखो या इसकी चेंज करके देखो। देखो आ रही आवाज, कैमरा ऑन है अभी, एक बार ऑफ करो। जय श्री कृष्णा। तो बच्चों आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स स्टडी करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में बातचीत करेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिस्कवरी क्या होती है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स का एक बार मैं आपको रिलेवेंस बताता हूं कि भाई कोई भी ब्रांच हम लोग पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने की कोई वजह होती है। फिजिक्स पढ़ने का जो अल्टीमेट पर्पस है, जो सबसे मतलब कहते हैं कि अंतिम उद्देश्य है फिजिक्स पढ़ने का, वो ये है कि उस ब्रांच से जुड़ी हुई जो एनर्जी है उसके बारे में बात करना और उस एनर्जी का पता लगाना और उस एनर्जी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। अगर आप किस फिजिक्स की किसी भी ब्रांच की बात करेंगे, चाहे थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, चाहे मैकेनिक्स की, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, किसी भी ब्रांच की बात करेंगे तो उस ब्रांच से जुड़ी हुई जो एनर्जी होती है उसी को पढ़ना और पढ़ करके उस एनर्जी को अपने इस्तेमाल में लाना, ठीक है। यही फिजिक्स पढ़ने का अंतिम उद्देश्य है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने का भी यही उद्देश्य है। जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से उन्होंने ये प्रूव किया, ऐसा बताया कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। तो अब एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना पॉसिबल अगर है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। और हम ये जानते हैं कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो कहां पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन में तो मास बहुत कम होता है, प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1800 गुना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो किसी भी एटम के मास में मैक्सिमम मास है न्यूक्लियस का। तो अब किसी भी, और बाहर चीज एटम से मिलकर बनी हुई है, हर जितनी भी चीजें हैं वो एटम से मिलकर बनी हुई है। तो अगर हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो न्यूक्लियस का मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और न्यूक्लियस के मास को अगर एनर्जी में हम कन्वर्ट कर पाएंगे तो फिर हमारी जो एनर्जी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इनफैक्ट सारी दुनिया इस समय इसी बात में लगी हुई है, क्योंकि दुनिया में जो पेट्रोल था वो तो खत्म हो रहा है। पेट्रोल तो रिजर्व्स था, वो नीचे जमीन से खोद खोद के पेट्रोल निकाल ले रहे हैं सारा, तो वो खत्म होता जा रहा है। कुछ रिसोर्सेज की बात हो रही है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली की जो एनर्जी होती है, जैसे आजकल देखो गाड़ियां आने लगी है ना जो बैटरी से चलती है, तो अब पेट्रोल खत्म होगा तो कहीं ना कहीं से एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो अब ये बिजली पैदा करने का भी बहुत सारे तरीके हैं। बिजली पैदा करने का एक तरीका है कोयला भी खत्म होगा। दूसरा तरीका ये है कि नदी पे बांध बना के बिजली पैदा करें, उससे उतनी ज्यादा बिजली पैदा हो नहीं पाती, उतनी नदियां हैं नहीं, जो हैं भी नदी हम लोग सब खत्म कर डाल रहे हैं, ठीक है। ये बगल में एक जाओगे थोड़ी दूर पे तो यहाँ पे एक असी नदी है, हाँ असी नदी है, लेकिन अब उसका नाम हो गया अस्सी नाला,
वो नदी थी, इनफैक्ट वाराणसी का नाम, वाराणसी जो है वरुणा प्लस असी, दो नदी थी वरुणा असी। तो अब वो नदी खत्म हो गई, दुनिया से ज्यादातर नदियां खत्म होती जा रही हैं, तो उनपे बाद वगैरह तो बन नहीं पाएगा। तो दुनिया की जो जैसे कहते हैं कि उम्मीद जो टिकी हुई है वो इस बात पर टिकी हुई है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको हम क्या, अच्छा न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे मान लो एक किलो तुमने कोयला जलाया, एक किलो कोयला जलाया, तो एक किलो कोयला जलाने से हो सकता है एक पतीली दाल पक जाए, या सब्जी बना ले जाओ, या दो चार रोटियां बना ले जाओ आप, ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत एनर्जी पैदा होगी एक किलो। अच्छा कोयले में क्या होगा, कोयला जब आप जलाओगे तो कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट। जब पेट्रोल जलाते हो तब भी यही होता है, जो केमिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और केमिकल एनर्जी उसमें पहले से जो स्टोर रहती है जब वो हीट में कन्वर्ट होती है तो थोड़ी बहुत एनर्जी निकलती है। अब मान लो ऐसे, अब इस बात को समझना, एक किलो मान लो कोयला का सारा मास एनर्जी में बदल दिया जाए, कोयला जलाना अलग चीज हो गई, उसमें तो केमिकल उसमें हीट में कन्वर्ट होगी। अगर एक किलो कोयले को मैं पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दूं एनर्जी में E=mc², तो एक किलो कोयले का मास एक किलो हो गया, लाइट की वेलोसिटी 3×10⁸ होती है, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9×10⁻⁶ जूल आ जाएगा। अब ये 9×10⁻⁶ जूल कितना बड़ा नंबर है, हो सकता है हमारे पूरे देश को कई महीनों तक ये जो है बिजली इससे मिल जाए। मेगावाट में मेजर करते हैं ना, 200 मेगावाट, 300 मेगावाट, जो न्यू पावर प्लांट्स होते हैं उनकी कैपेसिटी किसी की 200 मेगावाट हो गई, किसी की 400, किसी की 500, तो मेगावाट का मतलब 10⁶ हो गया। अब ये 10⁶ का तो भी मतलब समझ रहे हो ना कितना ज्यादा बड़ा नंबर है ये। तो एक किलो कोयले का मास अगर पूरा पूरा एनर्जी में बदल दिया जाए तो कितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, और अगर इसी एनर्जी को हम इस्तेमाल कर पाए, यूज कर पाए, टैप कर पाए, पाल पाए, इसको पालना मतलब जैसे पालने का मतलब होता है कि जैसे हम लोग जानवर पालते हैं, तो जंगली जो जानवर होते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं होते, हम ही को मार देंगे, और दूसरे कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको हम लोग पाल लेते हैं, तो इस एनर्जी को टेम कर पाए, इसको पाल पाए, तो ये एनर्जी जो है ये कहते हैं कि दुनिया में बहुत ज्यादा है। मतलब ऐसी एनर्जी हो गई कि एक बार मतलब आपने कोई ऐसी कार बना ली, मान लीजिए कि कोई ऐसी कार बना ली जिस कार के अंदर ये कोयला जो है, कोयले का मास जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, तो वो तो आपकी कार आप भी चलाएंगे, आपके बच्चे भी चलाएंगे, सब पूरा मोहल्ला चलाएगा, पूरा दिन रात वो चलेगी, तब भी उसमें कभी पेट्रोल नहीं भराना पड़ेगा, वो एक बार बस कोयला जलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगी। मतलब वो ऐसा एनर्जी का सोर्स होगा कि जैसे लोग कल्पना करते हैं ना कि स्पेस में चले गए, तो इस प्लैनेट से उस प्लैनेट से यहां से वहां चले गए 10-20 हजार साल तक, वो एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाली, तो वो उस टाइप की एनर्जी है। तो इसी एनर्जी को पढ़ने के लिए हम लोग इस चैप्टर को स्टडी करते हैं। इस चैप्टर को स्टडी करने का पर्पज यही है कि अभी बीच में मतलब काफी इस पे बहुत हमेशा डिस्कशन होता रहता है। एक मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि जैसे हमारे घरों में जो बिजली आती है उसका एक यूनिट कितने पैसे की होती है, 7 पैसे की। कमर्शियल महंगी होती है, कमर्शियल 9 या 10 पैसे, जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग का कमर्शियल हो गया ना, तो वो 9 या 10 पैसे की आती है, सॉरी 9 या 10 रुपए वो की आती है, पैसा मैं गलत बोल रहा हूँ, 10 रुपए यूनिट के आसपास आती है कमर्शियल जो बिजली होती है, और उसमें ऐसा तब भी बिजली विभाग घाटे में रहता है हमेशा। हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग 10 रुपए एक यूनिट का दे रहे हैं तो डिपार्टमेंट फायदे में, डिपार्टमेंट को हमेशा लॉस होता रहता है, यानी एक्चुअल कॉस्ट जो है उसकी इससे ज्यादा है, क्योंकि डिपार्टमेंट तो लॉस में नहीं होता ना, डिपार्टमेंट फायदे में होता। तो अब अगर न्यूक्लियर एनर्जी को यूज किया जाए, तो ऐसा मैं कहीं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था किसी फेमस आदमी का था कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करेंगे तो पर यूनिट बिजली जो आएगी वो 25 पैसा एक यूनिट पड़ेगी, और उस 25 पैसे में जो मतलब लाइन बिछाने का खर्चा है वो भी शामिल है, जो स्टाफ की सैलरी है वो भी शामिल है, और जो बिजली की चोरी हो जाती है हमारे इंडिया में ना, मतलब बहुत सारी बिजली जो है उड़ जाती है, बीच में से गायब हो जाती है, वो सब शामिल करते हुए जो बिजली पड़ेगी वो 25 पैसे पर यूनिट पड़ेगी। मतलब इतना ज्यादा सस्ती हो जाएगी अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट का इस्तेमाल करें। तो ये जो एनर्जी का सोर्स है न्यूक्लियस की एनर्जी, अगला यही है, अगला 100, 200, 300, 400, 500, जब भी ये न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, जब हम इसको इस्तेमाल करना सीख जाएंगे अच्छे से, तो ये मतलब फिर एनर्जी की जो प्रॉब्लम है वो कई हजारों सालों तक, हजारों लाखों सालों तक सॉल्व हो जाएगी। सूरज में भी यही एनर्जी आती है, सन से जो एनर्जी आती है वो यही एनर्जी है। सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन
रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस, इनफैक्ट दुनिया में जितने भी तारे हैं, जितने भी स्टार्स हैं, जो सब एनर्जी देने वाले हैं, वो सब के सब जो होते हैं उनके अंदर यही न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर जो एनर्जी होती है उसी से सारी दुनिया को एनर्जी मिलती है। तो ये जो एनर्जी होती है न्यूक्लियस एनर्जी, इसी को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले कुछ कुछ छोटी छोटी बात करेंगे। सबसे पहले तो भाई न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की पता है आपको? किसने की? बता चुका हूं मैं आपको, रदरफोर्ड ने करी थी। यार रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसी में तो आया था ना न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने बताया कि भाई एक चीज है जिससे टकरा के वापस आ जाते हैं, बहुत हैवी होता है, उसी चीज को न्यूक्लियस बोला गया था। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो थी वो रदरफोर्ड ने की थी। तो ये मैं लिख देता हूं, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड एक्सक्यूज मी न्यूक्लियस जो है इसकी डिस्कवरी रदरफोर्ड ने करी थी। अब जो न्यूक्लियस होता है ये जिन चीजों से मल के बना होता है उनको हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, और न्यूक्लियॉन्स के अंदर आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं इनके बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके ऊपर चार्ज प्लस ई के बराबर होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से जरा सा ज्यादा होता है, बहुत जरा सा, मतलब कैलकुलेशन के लिए हम लोग सेम कई बार ले लेते हैं तो, लेकिन न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं इनसे मिल करके न्यूक्लियस बना होता है। न्यूक्लियस के कई सारे टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं उन सारे टाइप्स के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले न्यूक्लियस के टाइप्स में एक आता है आइसोटोप्स। आइसोटोप सभी लोग जानते हो, आइसोटोप किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? आइसोटोप में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माने एटमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग होता है। तो हम न्यूक्लियस के टर्म में अगर बात करें तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो आइसोटोप में लिख दे रहा हूं मैं, दे हैव सेम नंबर, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या सेम होगी लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होगी। आइसोटोप के बाद एक आता है आइसोटोन। आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन भूल गया क्या? हाँ, आइसोटोन में क्या होता है? उनका टोन एक होता है ना, सारे आइसोटोन का टोन एक होगा। फिर क्या होता है आइसोटोन? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है, प्रोटॉनों की संख्या अलग होती है। दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे हैव सेम नंबर ऑफ, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। They have same number of neutrons but different number of protons. इनके न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। They have same number of neutrons but different number of protons. ये नोट कर लेंगे आप लोग। आइसोटोप हो गया, आइसोटोन हो गया, उसके बाद इसके अंदर एक और आता है आइसोबार। आइसोबार जो होता है ये भी जानते होगे आप लोग क्या होता है?
मास नंबर, मास नंबर हम नहीं जानते क्या होता है हम, क्योंकि मास नंबर एटम का डिफाइन किया जाता है। हम न्यूक्लियस के टर्म में अगर बात करें तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का जो जोड़ होता है वो सेम होता है, लेकिन उनकी एक्चुअल वैल्यू अलग अलग है। जैसे मान लो 50 है तो एक 32-28 हो जाएगा, एक जो है 30-20 हो जाएगा, मतलब उनकी वैल्यू अलग होगी लेकिन न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का जोड़ कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, तो दे हैव इक्वल सम ऑफ, दे हैव इक्वल सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दे हैव इक्वल सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनके प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या है उसका सम इक्वल होता है, जोड़ बराबर होता है। ये आइसोबार हो गया। ये किसी के अंदर एक और आता है आइसोडाइफर्स, आइसोडाइफर्स, ठीक है। आइसोडाइफर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं ये देखते हैं हम लोग, क्या होते हैं आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स, आइसोडाइफर्स में क्या होता है कि जैसे आइसोबार में क्या होता है, न्यूट्रॉनों और प्रोटोनों की संख्याओं का जोड़ कांस्टेंट रहता है, इसमें दोनों का डिफरेंस सेम रहता है। मतलब न्यूट्रॉन जैसे मान लो 30 है और वो 20 है तो दोनों का डिफरेंस 10 आएगा ना, तो वो डिफरेंस सेम रहता है, तो उसको आइसोडाइफर कहते हैं। दे हैव इक्वल डिफरेंस, इक्वल डिफरेंस ऑफ, दे हैव इक्वल डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दे हैव इक्वल डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनके प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या का डिफरेंस होता है वो सेम होता है। दे हैव इक्वल डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो गए आपके आइसोडाइफर्स, आइसोबार हो गया, आइसोटोन हो गया, आइसोटोप हो गया। ये न्यूक्लियस जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में तोड़ सकते हैं हम लोग, और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हैं। चलिए, तो अभी इसके अंदर इंटर कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का इंटर कन्वर्जन है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल सकता है। किस नियम के हिसाब से बदलता है ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन में देखता हूं। न्यूट्रॉन जो होता है वो जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो प्रोटॉन के साथ साथ एक इसमें इलेक्ट्रॉन भी निकलता है जिसे हम बीटा माइनस कहते हैं। न्यूक्लियस से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम बीटा माइनस कहते हैं, और उसके साथ एक पार्टिकल निकलता है जिसे हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। ये मैंने न्यू बार, इसका जो सिंबल है वो इस तरह से है, और इसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। इसको न्यू बार से दिखाते हैं, एंटी। जब भी किसी चीज, न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है, किसी भी चीज के ऊपर बार लगा दिए तो वो उसका उल्टा पार्टिकल माना जाता है, एंटी पार्टिकल माना जाता है, तो इसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो एक प्रोटॉन निकलता है, एक बीटा माइनस, बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियस से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बीटा माइनस से दिखाते हैं, और प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रॉन का कन्वर्जन है। अच्छा, जब भी कोई रिएक्शन होती है, केमिकल या न्यूक्लियर या किसी भी तरह की रिएक्शन होती है, तो चार्ज और मास और एनर्जी इन सबकी बैलेंसिंग करी जाती है। तो अगर हम चार्ज की बैलेंसिंग करें तो क्या ये चार्ज की बैलेंसिंग हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ध्यान से देखें, हो जा रही है। एंटी न्यूट्रिनो जो पार्टिकल होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, तो चार्ज तो बैलेंस हो गया ना, ये न्यूट्रल था। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, प्लस ही, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही, तो चार्ज बैलेंस हो गया। मास बैलेंसिंग भी हो जाएगी यहां पर, अगर ध्यान से देखें तो मास बैलेंसिंग ऐसी हो जाएगी कि न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो थोड़ा सा प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है, तो जैसे ये मास थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो बाकी ये जो दोनों मास सब मिला जुला के मास बैलेंसिंग भी हो जाती है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें इंटरेस्टिंग सी बात ये बताते हैं कि उसके अलावा इसके अंदर आपका जो बैलेंसिंग होती है वो
स्पिन की बैलेंसिंग भी होती है, मतलब जो स्पिन बैलेंसिंग का मतलब एंगुलर मोमेंटम की बैलेंसिंग होती है। स्पिन बेसिकली एंगुलर मोमेंटम को, जैसे एनएच अपॉन टू पाई होता है ना एंगुलर मोमेंटम, तो स्पिन जो है वो एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें स्पिन बैलेंसिंग भी होती है, ध्यान से समझिएगा। इसमें जैसे मैं मान लेता हूं इसकी स्पिन 1/2 है, तो अगर इसकी 1/2 है, इसकी मान लेता हूं 1/2 माइनस 1/2 1/2, तो कुल मिला के 1/2 इधर भी आ जाएगा, 1/2 इधर भी आ जाएगा। तो ये जो तीन पार्टिकल निकल रहे हैं, तो ये तीन पार्टिकल जो निकल रहे हैं इनकी वजह से स्पिन भी बैलेंस हो जाती है। इसके पीछे कहानी ये है कि एंटी न्यूट्रिनो की डिस्कवरी बाद में हुई, खोजबीन वास्तव में जब प्रैक्टिकली ढूंढा गया तो बाद में ढूंढा गया, लेकिन पता लोगों से को पहले से था कि ये एंटी न्यूट्रिनो प्रेजेंट होगा। मतलब उसका उसका कारण क्या था कि अगर एंटी न्यूट्रिनो नहीं है यहां पर तो स्पिन बैलेंस ही नहीं हो पाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये नहीं है, अब स्पिन बैलेंस करने कोशिश करें तो नहीं हो पाएगी। जैसे मान लो ये 1/2 है, ये दोनों अगर 1/2 हो गए तो 1 हो जाएगा, और ये 1/2 माइनस 1/2 हो गए तो 0 हो जाएगा, तो स्पिन बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो स्पिन बैलेंस कराने के लिए या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए तीसरा पार्टिकल जरूरी था। तो पहले प्रेडिक्ट किया था पॉली, या मुझे याद नहीं है किसने प्रेडिक्ट किया था, नाम मुझे भूल रहा है, लेकिन पहले इसका प्रेडिक्शन हुआ था और बाद में इसकी डिस्कवरी हुई थी। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तीसरा पार्टिकल तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं, जबकि ये होता है, खूब होता है। तो इसका मतलब कि कोई ना कोई तीसरा पार्टिकल होगा जिससे कि स्पिन बैलेंस हो पाएगी। तो एंटी न्यूट्रिनो जो है इसका जो प्रेडिक्शन दिया गया था वो इसी वजह से था कि स्पिन बैलेंस रह पाए। और इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात बताएं, काफी साल पहले तक, आज के मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था जेई के लिए, उस समय तक एंटी न्यूट्रिनो का मास जो माना जाता था वो 0 माना जाता था। एचसीवी के अंदर अभी भी लिखा हुआ है कि एंटी न्यूट्रिनो का मास 0 होता है। हो सकता है एक दो सालों में चेंज कर दिया उन्होंने, लेकिन पिछले 3-4 साल पहले मैंने जो एचसीवी आती वो देखी थी तो उसमें एंटी न्यूट्रिनो का मास 0 लिखा था, क्योंकि ये पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, इतना ज्यादा हल्के, इलेक्ट्रॉन के मास से भी इनका मास हजारों गुना कम होता है। तो शुरू शुरू में क्या हुआ था कि लोग इसका मास पता नहीं लगा, भाई इतना ज्यादा हल्का होता है कि मास नहीं इसका पता लगा। फिर बाद में जैसे और अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं और एक्सपेरिमेंट होते हैं तो इसके मास का पता लगाया गया। तो इसका मास नेग्लिजिबल होता है लेकिन 0 नहीं होता है। मतलब पहले बोला जाता था कि ये एक फोटोन है, फोटोन में तो फोटोन के अंदर रेस्ट मास 0 होता है ना, तो पहले इसको फोटोन बोला जाता था, लेकिन बाद में ये देखा गया कि भाई इसके अंदर मास आता है, कम है, बहुत कम है। मतलब ऐसा कहीं मैंने पढ़ा था कि एंटी न्यूट्रिनो की अगर एक बीम आती है तो वो इतना मास कम होता है कि वो धरती को आसानी से पेनिट्रेट करके उस पार निकल जाएगी। मतलब इतना मास कम होता है कि उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है, बहुत ही छोटा साइज होता है उसका। तो खैर वो सब एक बात हो गई, लेकिन एंटी न्यूट्रिनो जो होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं हैविंग नेग्लिजिबल मास, ना के बराबर मास, लेकिन 0 मास नहीं है, मास होता है इनके अंदर। तो मैं यहां पर नोट भी कर देता हूं, एंटी न्यूट्रिनो आर पार्टिकल्स। एनसीईआरटी में सही दिया हुआ है, एनसीईआरटी में इसको पार्टिकल ही बोला गया है। तो एंटी न्यूट्रिनो आर पार्टिकल्स हैविंग स्मॉल, वेरी स्मॉल मास, में लिख देता हूं, एंटी न्यूट्रिनो आर पार्टिकल्स हैविंग वेरी स्मॉल मास। एंटी न्यूट्रिनो आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पिन बैलेंस। एंटी न्यूट्रिनो आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पिन बैलेंस इन द रिएक्शन। जो भी रिएक्शन हुआ है उसके, जो भी रिएक्शन है उसके अंदर एंटी न्यूट्रिनो जो है वो स्पिन बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बीटा माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन होता है, ये प्रोटॉन आपको समझ में आ ही गया है। और ये जो रिएक्शन है ये इजिली होती है, अगर किसी भी न्यूट्रॉन को आप ऐसे न्यूक्लियस के बाहर निकाल के छोड़ दें तो कुछ समय बाद वो डिके हो जाता है, उसका हाफ लाइफ भी होता है, वो सब भी बात करेंगे। तो कुछ समय बाद डिके हो जाता है क्योंकि ये रिएक्शन एनर्जेटिकली फेवरेबल है, एंड मतलब ये जब न्यूट्रॉन टूट के निकलेगा तो उससे एनर्जी भी एमिट होती है, तो ये रिएक्शन जो है एनर्जेटिकली फेवरेबल है, इसलिए रिएक्शन बहुत आसानी से हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब दूसरा इसके अंदर पॉइंट आता है, ये तो आपका न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन हो गया, प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो पी जो आएगा हो जाएगा एन प्लस बीटा प्लस प्लस न्यूट्रिनो, ये जो है ये इसका नाम है न्यूट्रिनो, इसका नाम न्यूट्रिनो है। तो ये प्रोटॉन का
न्यूट्रॉन में कन्वर्जन है। अब देखा जाए तो इस रिएक्शन में चार्ज बैलेंस हो पा रहा है क्या? चार्ज बैलेंस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? तो एक एक करके देखते हैं बैलेंसिंग। चार्ज जो है प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? प्लस ही। ये बीटा प्लस जो होता है ये पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन के बारे में कल भी बताया था आपको कि पॉजिट्रॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है और चार्ज इसका प्लस ही के बराबर होता है। तो ये बीटा प्लस जो है ये इसके ऊपर प्लस ही चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं ये, तो चार्ज बैलेंसिंग है। मास बैलेंस है कि नहीं इसमें? मास बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है मास बैलेंस? क्योंकि प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन से कम होता है और ऊपर से ये दो और आ गए तो मास बैलेंस नहीं होती है। तो मास बैलेंस नहीं होती इसलिए ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली का मतलब होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में नहीं होती। अगर किसी प्रोटॉन को ऐसे फ्री छोड़ दो आप तो वो डिके नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। अब ये रिएक्शन कैसे होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है रिएक्शन, न्यूक्लियस के बाहर नहीं होती है रिएक्शन। ये कैसे होती है कि ये प्रोटॉन क्या करता है, न्यूक्लियस जो होता है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, E बराबर MC स्क्वायर से आप देखो तो बहुत एनर्जी होती है। तो ये प्रोटॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर से कुछ एनर्जी लेता है, एनर्जी लेके क्या करेगा, अपना मास बढ़ा लेगा, जिसे मास एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है ना, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ एनर्जी लेगा, एनर्जी लेके अपने मास को बढ़ा लेगा। अब एक बार इसका मास बढ़ गया, मान लो मास बढ़ के पी स्टार बन गया, ये कोई नया प्रोटॉन जैसा कुछ बन गया, फिर उसके बाद ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो ये रिएक्शन जो होती है ये न्यूक्लियस के अंदर ही पॉसिबल है, न्यूक्लियस के बाहर, इस पर सवाल भी IIT में आया हुआ है कि ये जो रिएक्शन होती है न्यूक्लियस के अंदर ही पॉसिबल है। ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियस के अंदर बाहर सब जगह हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर हर चीज बैलेंसिंग आ रही है, फेवरेबल रहती है। ये न्यूक्लियस के बाहर ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं होती है। ऐसा एक्सपेरिमेंट कहीं मैंने पढ़ा था कि प्रोटॉनों का एक वो लिया गया, मतलब जैसे कहते हैं पुंज नहीं, बीम नहीं है, एक मतलब प्रोटॉनों को इकट्ठा किया गया, इकट्ठा करके किसी जगह रखा गया और उसको 10 सालों तक ऑब्जर्व किया गया, सिर्फ प्रोटॉन थे और उनको लगभग 10 सालों तक ऑब्जर्व किया गया। तो देखा यह गया कि उसमें एक भी प्रोटॉन डिके नहीं किया, एक सिंगल प्रोटॉन भी डिके नहीं किया। उसका कारण यही है कि ये रिएक्शन वैसे पॉसिबल नहीं है, नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर हो जाती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा कि प्रोटॉन खूब सारी एनर्जी लेगा, न्यूक्लियस से एनर्जी लेकर के उस एनर्जी को इस्तेमाल करेगा अपना मास बढ़ाने में और फिर उसके बाद ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, अब इसमें ये जो न्यूट्रिनो होते हैं ये भी पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास बहुत कम होता है, स्मॉल मास के होते हैं। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो एंटी पार्टिकल्स हैं, ये न्यूट्रिनो है और ये एंटी न्यूट्रिनो है, तो ये दोनों एंटी पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रिनो भी पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास बहुत कम होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, न्यूट्रिनो आर पार्टिकल्स हैविंग वेरी स्मॉल मास, एक बात काम की। दूसरा, ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियस के बाहर पॉसिबल नहीं है, इसलिए फ्री न्यूट्रॉन इज हाईली स्टेबल। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, सवाल क्या आया था, फ्री न्यूट्रॉन इज हाईली स्टेबल, फ्री प्रोटॉन इज हाईली स्टेबल। स्टेबल का मतलब ये कभी प्रोटॉन टूट ही नहीं सकता है, और फ्री न्यूट्रॉन जो है वो अनस्टेबल होता है। फ्री न्यूट्रॉन अनस्टेबल होगा क्योंकि ये रिएक्शन हो सकती है, लेकिन फ्री जो प्रोटॉन है ये कभी भी टूटेगा नहीं, तो फ्री प्रोटॉन जो है वो स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है। तो मैं बात नोट भी कर दे रहा हूं। अब रिएक्शन अब रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली इनसाइड ए न्यूक्लियस। मैं स्टेटमेंट भी लिख दे रहा हूं, ए फ्री प्रोटॉन इज हाईली स्टेबल। ए फ्री प्रोटॉन इज हाईली स्टेबल। फ्री प्रोटॉन जो होता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। जो न्यूक्लियस होता है इसका मास बहुत ज्यादा कम होता है, किलोग्राम में तो होता नहीं, इसका मास बहुत ही ज्यादा कम होता है, तो इसलिए न्यूक्लियस का मास जो है हम मेजर करते हैं AMU में, एटमिक मास यूनिट। तो मैं आपको AMU या एटमिक मास यूनिट डिफाइन कर दे रहा हूं, एटमिक मास यूनिट AMU से दिखाते हैं इसको हम लोग।
एटमिक मास यूनिट जो है इसको हम लोग एमयू से दिखाते हैं, और ये एटमिक मास यूनिट को हम लोग डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, कोई डेफिनेशन बताएगा एमयू की? 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम या कार्बन 12 न्यूक्लियस? कार्बन 12 न्यूक्लियस नहीं, कार्बन 12 एटम ही होता है, सही बोल रहे हो आप। हाँ तो हाँ तो ये एमयू जो होता है 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम ही होता है, मतलब एटम ही होता है, आपने सही बोला था, मैं तो कंफ्यूज कर रहा था आपको। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं, इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। आमतौर पर होता है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो बच्चे सोचते हैं कि न्यूक्लियस का मास होगा 1/12, लेकिन ये कार्बन 12 का एटम का मास है, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब मिला जुला के जो एटम का मास होता है उसका 1/12 होता है, 1 mu। और 1 mu जो है, जब हम इसको एनर्जी बराबर mc² के हिसाब से जब इसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं हम, तो 1 mu जो आता है ये आइडेंटिकल होता है 931.48 mev, इसके आइडेंटिकल होता है। एक एमयू मास को जब आप एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो 931.48, मतलब ये तो पूरी डिटेल बात हो गई, 931.5 बोलते हैं हम लोग, ठीक है, या 931 भी बोल देते हैं, या जैसे अगर चार ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं तो 900 भी बोल सकते हैं, मतलब वो डिपेंड करेगा, जो चार ऑप्शन है वो एकदम पास पास है मान लीजिए तब तो आपको पूरा डिटेल लेना पड़ेगा, अगर ऑप्शन दूर दूर है तो आप इसको अप्रोक्सीमेट करके 931 या 930 बोल के भी काम चला सकते हैं। तो एक एमयू को जब वो मास में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो मास आता है वो 931. एनर्जी जो आती है 931.48 mev के बराबर आती है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस होता है इसका रेडियस बहुत स्मॉल होता है, न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो काफी कम होता है, तो न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में बात करते हैं हम लोग। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का रेडियस, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है ये जब हम लोग निकालते हैं तो लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके और थ्योरी वगैरह से, भाई नाप के तो कोई नाप तो सकता नहीं, बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन जब न्यूक्लियस का रेडियस लोगों ने निकाला, एक्सपेरिमेंट लिया, जैसे भी निकाला, मैं नहीं जानता हूं कैसे निकाला, जब निकाला तो उसका फार्मूला ये बना था, r is equal to r0 into a to the power 1/3, जहां पर a जो है एटमिक मास नंबर है और r नॉट एक कॉन्स्टेंट है, और r नॉट की वैल्यू आती है 1.1 × 10⁻¹⁵ मीटर। 10⁻¹⁵ मीटर को हम लोग फर्मी भी बोलते हैं, फर्मी या फेम्टोमीटर भी बोला जाता है, 10⁻¹। तो ये r नॉट की वैल्यू 1.1 फर्मी भी है, किसी किसी बुक्स में ये r नॉट की वैल्यू 1.2 भी दे रखी होती है, इनफैक्ट ये 1.15 होती है, तो कहीं पे ये 1.2 भी आपको दिखेगी, कहीं 1.1 दिखेगी। तो खैर, r नॉट की वैल्यू 1.1 × 10⁻¹⁵ मीटर के बराबर होती है, और a जो है वो आप एटम का मास नंबर है। ठीक है, a जो है वो मास नंबर है, किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस है, किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो इस इक्वेशन से दिया जाता है। अब हमें न्यूक्लियस का रेडियस पता चल गया तो हम न्यूक्लियस का मास भी वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, न्यूक्लियस का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो न्यूक्लियस की डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। भाई मास अगर हमें पता है, वॉल्यूम पता है, मास पता है न्यूक्लियस का, तो हम न्यूक्लियस की डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है, न्यूक्लियस एकदम सुपर डेंस मटेरियल होता है, सुपर डेंस का मटेरियल की उससे ज्यादा डेंसिटी किसी की पॉसिबल नहीं। मैं आपको थोड़ा सा नंबरों की फील अगर हो तो, जैसे आप लोहे की डेंसिटी अगर लोगे तो लोहे की डेंसिटी आती है 7800 kg/m³। मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं, लोहे की डेंसिटी में मान ले रहा हूं 10⁴, 10,000 मान ले रहा हूं लोहे की डेंसिटी, वैसे 7800 होती है, मैं 10,000 मान ले रहा हूं, और न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है 10⁻¹⁷। ये न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है, ये लोहे की डेंसिटी है। तो अब आप समझ लें कि ये कितना बड़ा नंबर है, 10⁻¹⁷, 10⁻¹⁴ से 10⁻¹⁷ टाइम ज्यादा है। 10⁻¹⁷ का मतलब हुआ 10 लिखो, फिर 10 लिखो, फिर 10 लिखो, फिर मल्टीप्लाई करते जाओ 13 बार, कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। तो न्यूक्लियस सुपर डेंस मटेरियल होता है, न्यूक्लियस इतना ज्यादा डेंस होता है कि अगर धरती का सारा मास कंप्रेस कर दिया जाए, धरती का सारा मास कंप्रेस कर दिया जाए और उसकी धरती की डेंसिटी न्यूक्लियस की डेंसिटी के बराबर कर दी जाए, तो धरती का साइज एक फुटबॉल ग्राउंड से भी छोटा हो जाएगा।
मतलब बिल्कुल एकदम बहुत छोटा हो जाएगा धरती, अगर उसको पूरा एकदम कंप्रेस करते 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 एकदम उसकी डेंसिटी न्यूक्लियस के बराबर कर दी जाए। तो कहने का मतलब न्यूक्लियस सुपर डेंस मटेरियल होता है, बहुत अधिक डेंसिटी होती है। और खास बात यह होती है कि न्यूक्लियस जितने भी होते हैं, चाहे लोहे का हो, चाहे सोने का हो, चाहे पीतल, चाहे जिसका न्यूक्लियस हो, सबका न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम आता है। डेंसिटी न्यूक्लियस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, कौन सा न्यूक्लियस है इस पर फर्क नहीं पड़ता है। न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द न्यूक्लियस होती है। लगभग सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम रहती है। तो ये बात यहां पर काम की है, डेंसिटी ऑफ नियरली ऑल द न्यूक्लियाई, डेंसिटी ऑफ नियरली ऑल द न्यूक्लियाई रिमेन सेम। लगभग सारे जो न्यूक्लियस होते हैं उनकी डेंसिटी सेम रहती है, डेंसिटी ऑफ नियरली ऑल द न्यूक्लियाई रिमेन सेम। इस बात को प्रूव कर सकते हो आप कि लगभग सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम रहती है? प्रूव कर सकते हो क्या इसको? थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, कर ले जाओगे? हो गया प्रूफ जोरी? कैसे? एक कट जा रहा है। देखो न्यूक्लियस जो होता है उसकी डेंसिटी क्या होगी? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास जो आएगा वो ये तो मास नंबर हो गया उसका, एमयू में मास हो जाएगा। अब वॉल्यूम जब लिखोगे तो वॉल्यूम में 4/3πr³ आएगा ना, तो πr³ करोगे तो ये 1/3 उधर हो जाएगा, तो ए से ए कट जाएगा। ए से ए कटने का मतलब कि न्यूक्लियस की डेंसिटी जो है वो सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी लगभग एक जैसी होती है। तो लगभग हर न्यूक्लियस जो होता है उसकी डेंसिटी एक जैसी होती है।